बॉर्डर से सटा जोधपुर और बाड़मेर का इलाका जब एक साथ 13 फाइटर जेट आसमान से गुजरे तो हर कोई दंग रह गया। एक घंटे तक यह फाइटर जेट हवा में प्रैक्टिस करते रहे। इस प्रैक्टिस में सबसे खास बात यह भी कि इनमें सबसे ताकतवर और एडवांस फाइटर प्लेन राफेल समेत सुखाई और तेजस भी शामिल थे। दरअसल जोधपुर एयरबेस भारत व फ्रांस एयरफोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 की मेज़बानी कर रहा है। बीते एक सप्ताह से जारी इस युद्धाभ्यास के दौरान मंगलवार को दोनों देशों के वायुसेना प्रमुख लड़ाकू विमान उड़ाकर एयर पावर दिखा रहे हैं। मंगलवार को सुबह 11:20 पर जोधपुर एयरबेस से 5 राफेल, 5 सुखाई और 3 तेजस फाइटर जेट ने उड़ान भरी। इस दौरान करीब एक घंटे तक आसमान में रीफ्यूलिंग की प्रैक्टिस की गई। खास बात ये भी रही, इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने राफेल और फ्रांसीसी एयरफोर्स फ्रेंच आर्मी डे एयर के चीफ जनरल स्टीफन ने सुखाई में उड़ान भरी। ये दूसरा मौका है जब जोधपुर एयरबेस पर गरुड़ युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के चीफ एक दूसरे के फाइटर उड़ा रहे हैं। इससे पहले साल 2014 में गरुड़ के 5वें संस्करण के दौरान भारतीय वायुसेना के तत्कालीन चीफ अरूप राहा और फ्रांसीसी चीफ डेनिस मेर्सियर ने भी उड़ान भरी थी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।